चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में देर रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, जिसके चलते किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में किसानों की ओर से मक्की की फसल की बिजाई की जा रही है। उससे पहले जितनी अधिक बारिश होती है उतनी ही मक्की की फसल के लिए बेहतर मानी जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, जिस कारण किसान प्राकृतिक रूप से होने वाली बारिश पर निर्भर रहते हैं। वहीं किसान का कहना है कि सही समय पर बारिश के मौसम ने दस्तक दी है। मौसम साफ होने पर फिर से मक्की की बिजाई का काम शुरू हो जाएगा। बारिश हुई है जिसके चलते किसानों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि अभी पहाड़ी क्षेत्रों में मक्की की बिजाई का काम जो है जोर शोर से चला हुआ है। ऐसे में बारिश ना होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ज़मीन सूखी हो जाती है और मक्की की फसल की कम पैदावार होने की उम्मीद रहती है, जिसके चलते पिछली रात से ही लगातार जो है भारी बारिश हुई है और किसानों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है और आने वाले समय के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में मक्की की खूब सारी फसल देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम होती है और ये मक्की की फसल जो है सारी मौसम पर निर्भर करती है। ऐसे में सही समय पर मौसम ने दस्तक दी है और जिसके चलते अब लोगों ने जो है इसके बाद जैसे ही मौसम साफ होता है तो मक्की की बिजाई का काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि जिला चंबा के पहाड़ी इलाकों में देर रात से बारिश होने से किसान काफी खुश है और खेतों में किसान मक्की की फसल की बिजाई कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये बारिश कब तक जारी रहती है और फिर से किसान मक्की की बिजाई का काम कब तक शुरू करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।